दिस क्वेश्चन सेज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस. सेम थिंग इट इज कॉल्ड, इज इट अ नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और नॉन रैंडम इवोल्यूशन. तो सी वी हैव सीन कि हाँ यहाँ पर हमने क्या देखा, कॉमन सेट ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है और डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है मतलब डिफरेंट एंसेस्टर्स है. एंड दे आर इवॉल्विंग सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशंस मतलब सेम फिनोटिपिक अडेप्टेशंस. अगेन फॉर एग्जाम्पल विंग्स का एग्जाम्पल, विंग्स इन केस ऑफ बैट बर्ड एंड इन केस ऑफ इंसेक्ट, ये सभी में विंग्स हैं लेकिन इनके सबके एंसेस्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट है. तो ये किस तरह के ऑर्गन्स होंगे, वी हैव जस्ट सीन दीज आर द टाइप ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस. तो इट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट. अडेप्टिव रेडिएशन भी यहाँ पर नहीं होगा, अडेप्टिव रेडिएशन से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा क्योंकि वहां पर एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से, अडेप्टिव रेडिएशन में एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा that are going to be adapted according to the different environmental conditions. For example, Darwin's finches, सभी की बीक का शेप साइज जो है, स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो गया, तो वो यहाँ पर फिट नहीं होगा. नॉन रैंडम एवोल्यूशन अगेन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट.